हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील। सेकंड क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी पर्वत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। थर्ड क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में। फोर्थ क्वेश्चन है, लोकतक एक क्या है? तो लोकतक एक झील का नाम है। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला पर बालटोडा हिमनद स्थित है। सेवन क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स, एट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी किससे बनी होती है? तो लैटराइट मिट्टी अम्लियों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, जहाँ पे आर्द्र और सूक्ष्म जलवायु होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में मिट्टी सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो तालोचन द्वारा बनी होती है। फ्रेंड्स, इलेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलों और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, उस फसल का नाम क्या है? तो चावल। चावल जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी और अधिक उसे मात्रा की पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक फसल वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो राजस्थान। थर्टींथ क्वेश्चन है, मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो चालकता द्वारा मापी जाती है। 14th क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर है और वर्षा कम से कम? तो 35%। 5th क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारी भारत की जलवायु है। 16th क्वेश्चन है हमारा, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र पर? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट से समानांतर चलता है, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को सघनित नहीं होने देता, वे अपतटीय हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। 19th क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। 20th क्वेश्चन है हमारा, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो ये दोआब कहलाती है। 21 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है वो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और 22 क्वेश्चन है हमारा, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। 23rd क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की किस पर्वत श्रेणी से निकलता है? तो कैलाश पर्वत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 24th क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है वो अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार नदी मुख जो कि मुहाना कहा जाता है, कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। ये फ्रेंड्स आपके लिए कुछ होमवर्क है, जो कि आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।